फ्रेंड्स, आम एक ऐसा फल है कि ऑलमोस्ट सभी का फेवरेट होता है। तो आज उसी आम के साथ एक बहुत ही बढ़िया स्वीट रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। इसे आप 8 से 10 दिन रखकर खा सकते हैं, ख़राब नहीं होती। अगर फ्रिज में रखते हैं तो और लंबे समय के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। स्पेशल बात है कि इसे बनाने के लिए आपको ना तो दूध की ज़रूरत होगी, ना मावे की ज़रूरत होगी, ना ही इसमें कंडेंस मिल्क लगेगा और ना ही इसमें बिल्कुल भी घी लगेगा। तो चलिए बहुत ही झटपट से स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, मैं कल्पना महेश्वरी अपने चैनल महेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आम से ये बहुत ही शानदार स्वीट रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक खूब मीठा वाला आम ले लिया है। अच्छा, बड़े साइज का आम है और आम को अच्छे से वॉश किया। उसके बाद पिलर से हम उसे बिल्कुल अच्छा सा छील लेंगे। छीलने के बाद बारी है कट करने की, तो बस कट करने के लिए एक चाकू लिया। इस तरीके से रफली सा कट कर लेंगे क्योंकि हम करेंगे इसकी गुठली को सेपरेट, और गुठली सेपरेट हो चुकी है। तो चलिए बस एक मिक्सी का जार ले लिया और उसमें ये आम डाला, पल्प तैयार कर लिया। उसके बाद बारी है इसको नापने की, और नापने के लिए आप अपने घर में किसी भी कटोरी, ग्लास या कप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आप इसको मेज़र कर लेते हैं तो काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा, रेसिपी परफेक्ट बनेगी। क्योंकि हम इसमें जो बाकी की चीज़ें डालेंगे वो इसी नाप से डालेंगे। और ये देखिए, बिल्कुल एक कप पल्प तैयार है। बस उसके बाद गैस ऑन करी, उसके ऊपर कढ़ाई रखी और कढ़ाई में हम डालेंगे मलाई। फ्रेंड, जितना हमारा आम का पल्प है उतनी हमें फ्रेश मलाई की ज़रूरत होगी। लेकिन आपको ये जो मलाई है एक बार में पूरी नहीं डालनी है। इस मलाई को फ्रेंड्स हम 3 से 4 बारी में डालेंगे। मलाई डाली, आम डाला, अच्छे से भूनना शुरू किया। बस आपको इसके लिए जो मलाई लेनी है वो एकदम फ्रेश होनी चाहिए। खट्टी मलाई होगी तो हमारी जो स्वीट रेसिपी बनेगी वो बढ़िया नहीं बनेगी। और ये देखिए, थोड़ी थोड़ी सी हमारा ये जो पल्प है अच्छा सा भूनने लगा है। और मैंने इसके बाद इसमें डाल दी थोड़ी सी और मलाई। इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी मलाई डालते जाएंगे, 1 से 1.5 मिनट भूनते जाएंगे। और इस तरीके से वो जो हमने 1 कप मलाई लिया है और इस 1 कप आम के पल्प में हम पूरी मलाई डाल देंगे। तब आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा मावे का काम था वो मलाई कर देगी, और साथ ही मलाई में से घी निकलता है तो चिकनाई का काम भी हो जाएगा। तब आपको ना घी की ज़रूरत है और ना ही मावे की ज़रूरत है। करीबन 5 से 6 मिनट तक भुना, अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। और सेम पैन में हम डालेंगे 2 कप जितना पानी। कप वही है जो मैंने पल्प के लिए और मलाई के लिए यूज़ किया था। बस मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है। ये 2 कप जितना पानी डाल दिया और जैसे ही पानी में बढ़िया सा बॉयल आया उसके अंदर हम डालेंगे 2 कप जितना मिल्क पाउडर। फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर डालने की वजह से अब आपको इसमें दूध, मावा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और बस इसे हम कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर हैं तो एक काम कर लें, पहले थोड़े से पानी में आप मिल्क पाउडर को अच्छे से घोल लें जिससे लम्स वगैरह ना बने। मिल्क पाउडर ऑलरेडी थोड़ा सा स्वीट होता है तो इसमें चीनी जो गिरेगी वो भी काफ़ी कम गिरेगी। सिर्फ 4 से 5 मिनट हुए और आप देख सकते हैं पानी और मिल्क पाउडर अच्छे गाढ़े से हो गए हैं। तो बस उसी कप से नाप कर हम 1 कप जितनी चीनी डाल देंगे। अगर आप मीठा थोड़ा सा कम खाते हैं या आपने जो आम यूज़ किया है वो ज़्यादा ही मीठा है तो चीनी की मात्रा थोड़ी सी कम कर सकते हैं, 1 से 2 चम्मच। और अगर आप मीठा ज़्यादा तेज खाते हैं या आपने जो आम यूज़ किया है वो थोड़ा सा खटास लिए हुए है तो चीनी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आम की मिठास नॉर्मल है और आप नॉर्मली मीठा खाते हैं तो ये जो मैंने नाप बताया है एकदम परफेक्ट है। बस कप का आप सही से हिसाब रखें तो आपकी मिठाई एकदम परफेक्ट बनेगी। और देखिए, ये जो हमारा मिश्रण था काफ़ी गाढ़ा सा हो गया है। तो बस अब जो हमने आम का पल्प तैयार करा था वो इसमें डाल देते हैं। है ना मिठाई बनाने का एकदम नया, यूनिक और बहुत ही आसान तरीका। और अब आप टेस्ट इमेजिन कर सकते हैं, ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है। इसमें आपको कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई एक्स्ट्रा फ्रेगनेंस की ज़रूरत है, यानी कि इलायची या कोई केसर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आम की जो खुशबू होती है ना वो गजब की होती है। और कलर आप देख सकते हैं बहुत ही औसम आया है। तो बस अब हम इसे करीब 4 से 5 मिनट तक लगातार चलाएंगे। ओवरऑल इसमें मैंने करीब 10 मिनट पकाया है और आप देख सकते हैं कि मिश्रण जो है अभी देखने में काफ़ी लिक्विड ही लग रहा है। तो इसमें एक स्पेशल चीज़ डालेंगे और वो है हलवाइयों का सीक्रेट, डेसिकेटेड कोकोनट। और इसे डालने के बाद हमारी जो मिठाई है इंस्टेंट जम जाएगी। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और देखने डालते ही जो हमारा ये मिश्रण था थोड़ा सा थिक हो गया है, बॉटम को छोड़ दिया है, तो यानी जमाने के लिए एकदम परफेक्ट तैयार है। लेकिन गैस का फ्लेम ऑफ करने से पहले एक काम जरूर करें, एक बार चेक जरूर कर लें जिससे बाद की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो चेक करने के लिए या तो आप किसी प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर रखें, थोड़ा सा ठंडा करें,
जमले की तैयार हो जाए तो बस उसे हटा दें, या फिर इस तरीके से आप उंगलियों में लेकर टच करते हैं और इसमें हल्की चिपकन है तो पक्की बात है कि ये जम जाएगा, और वैसे तो देखने से ही पता चल जाता है। बस उसके बाद मैंने ले ली एक बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे, जिसे अच्छे से देसी घी से ग्रीस कर लिया है, और आप चाहें तो कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं। बस इन पूरी बर्फियों में आपको इसी समय घी की ज़रूरत होगी, और ये पूरा मिश्रण हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और बिल्कुल अच्छे से हम इसे स्प्रेड करेंगे। ये बर्फियाँ बनाने में जितनी आसान है फ्रेंड्स, आम की बनी हुई हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, और थिकनेस इन बर्फियों की आप अपने मन से रख सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा पतली पतली ना बनाएं, उसमें वो वाला टेस्ट नहीं आता। और देखिए मैंने इसे करीब 1.25 इंच की मोटाई में रखा है, अच्छे से लेबल कर लिया और थोड़े से डाल दिए ड्राई फ्रूट्स। तो बस अब बर्फियाँ सेट होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, बहुत ही अमेजिंग बर्फियाँ बनने वाली हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करने वाली हैं। तो चलिए अब इसे आप चाहें तो फ्रीज में रख सकते हैं 2 घंटे के लिए, और आप चाहें तो काउंटर टॉप पर छोड़ दीजिए 4 से 5 घंटे के लिए, ये जब तक आपकी बर्फियाँ अच्छे से सेट ना हो जाए। और ये देखिए बर्फियाँ बढ़िया सी सेट हो चुकी हैं। एक मैंने नाइफ लिया और नाइफ से इस तरीके से हम इसमें कट के निशान लगा लेंगे। बर्फियों का साइज़ आप अपने मन से रख सकते हैं, आप चाहें तो मेरी तरह स्क्वायर कट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे मिल्की बार की तरह कट कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही गजब की हमारी बर्फियाँ तैयार हैं, मात्र 15 से 20 मिनट लगते हैं बर्फियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं, एकदम परफेक्ट हमारी बर्फियाँ तैयार हो गई हैं। और ये कर ली प्लेटिंग, बस अब देर किस बात की है, ठाकुर जी का भोग लगाएंगे और बहुत ही टेस्टी सी ये आम की बर्फियाँ खाएंगे। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रहेगी, इसलिए अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें। एकदम बहुत ही इजी तरीके से पर बहुत ही टेस्टी हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। देखने में रेसिपी जितनी अच्छी है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है, इसलिए एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और फीडबैक में मुझे भी बताएं रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दें, चैनल पर नए मेहमान हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।